बिना टैक्स व अन्य नियमों की अवहेलना करने वाले बस ऑपरेटरों तथा अन्य मालवाहक गाड़ियों पर परिवहन विभाग ऊना ने शिकंजा कसा है। विभाग के विशेष अभियान के तहत टैक्स चोरी तथा अन्य नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों से कुल 2.69 लाख रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए आरटीओ ऊना रमेश चंद कटोच ने बताया कि विभाग की 4 टीमों ने संतोषगढ़, महतपुर, अम्ब, बसाल व नंगड़ा में नाके लगाकर गाड़ियों की जाँच की। रमेश चंद कटोच ने बताया कि इस अभियान के दौरान वॉल्वो व एसी बसों के साथ साथ मालवाहक वाहनों की भी चेकिंग की गई। ओवरलोडिंग तथा अन्य नियमों की अवहेलना पर 17 मालवाहक गाड़ियों के चलान किए गए व उनसे 82,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं लग्जरी बसों के साथ साथ अन्य कॉन्ट्रैक्ट कैरेज गाड़ियों के भी 17 चलान किए गए तथा उनसे 1,87,900 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस तरह विभाग ने कुल 2,69,900 रुपये का जुर्माना वसूला है। कटोच ने कहा कि विभाग का यह विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा। पिछली रात हमने 34 चलान किए, उसमें 17 चलान जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के थे और 17 चलान जो गुड्स कैरिज। इसमें जो हमने टोटल 2,69,900 रुपये चलान का वसूला। सर, ये कितनी गाड़ियाँ थी और कौन सी बसें थी, मतलब ये टैक्स चोरी था, पूरा मामला क्या है? 13 बसेज थी, इसमें वोल्वो एसी और टूरिस्ट व्हीकल थे, उसमें 4 जो अदर थे टैक्सी और टेम्पो ट्रैवलर, 17 कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में थे, उसमें 1,87,900 रुपये किया हमने बस कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में, और 17 अदर गुड्स व्हीकल जो थे उसमें 17 चलान किए, उसमें 82,000 रुपये वसूला। सर, ये आपने नाका लगा रखा था कि गुप्त सूचना क्या था आपके? नहीं नहीं, नाका लगाया था हमने, ना डिफरेंट टीम आई थी और डिफरेंट रोड्स पे उनको लगा रखा था ताकि एक रोड से अगर निकल जाए तो दूसरे में पकड़ी जाएगी। वो 4 टीम्स बनाई हुई थी हमने, प्री प्लानिंग से किया हुआ था। पूना से जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ सहयोगी अनुबाला की रिपोर्ट।